हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस फाइनेंस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे। लेकिन मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो चलिए, आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर रिफर्ड टू एज लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है उसको हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, जो कि मतलब कि आपको पैसे दे, सब का काम यही होता है कि आपको लोन प्रोवाइड करे। डेवलपमेंट बैंक्स जो होते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इन सब को हम लोग पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंडर ही रखते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियलाइज दैट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री only commercial banks development of the country only commercial banks are not sufficient। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन थोड़ा सा एक वर्ड मिसिंग है। जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ, ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि अगर हमें अपने कंट्री के को इकोनॉमिकली डेवलप्ड करना है, ठीक है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक्स काफ़ी नहीं है। अगर हमें अपनी कंपनी को इकोनॉमिकली डेवलप्ड करना है तो हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी ज़रूरत है, ठीक है, और कमर्शियल बैंक सफिशियंट नहीं है। देयर मस्ट बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस इंटरप्राइजेस। ठीक है, एक ऐसा उस गवर्नमेंट को क्या रियलाइज़ हुआ कि एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो सिर्फ पैसे ना दे बल्कि लोन के साथ साथ वो इंडस्ट्रीज़ या बिजनेस इंटरप्राइज को एक सही गाइडेंस दे, एक अच्छा असिस्टेंस दे, ठीक है, जिससे वो उस लोन का क्या करे, अच्छे से मैक्सिमाइज क्या करे, यूज़ कर सके। द नीड फॉर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वॉज फेल्ट ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। ठीक है, एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि बहुत सारे रीजन्स थे। अब वो क्या रीजन्स थे वो हम क्या करेंगे, मेरिट्स में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो मेरिट्स हैं उसके वही सब रीज़न थे कि हमें एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ी। तो आइए हम देखते हैं इसके मेरिट्स को। तो फर्स्ट मेरिट है हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ठीक है, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स थे वो जनरली क्या करते थे, हमें शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते थे। तो हमें एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए भी एक इंस्टीट्यूशन चाहिए था जो कि हमें क्या करे, लॉन्ग टर्म फाइनेंस फंड प्रोवाइड कर सके। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे वो हमें क्या करते थे, लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा है मैनेजरियल एडवाइस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड मैनेजरियल एज वेल एज फाइनेंशियल एडवाइस ऑन वेरियस मैटर, ठीक है, जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो मैनेजमेंट का, तो आपको क्या करते हैं, मैनेजमेंट के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस भी देते हैं कि आपको क्या करना है, जो आप लोन ले रहे हो उसको आप कितने अच्छे से मैनेज कर सकते हो ताकि वो लोन आपको प्रॉफिट दे इन रिटर्न में, ठीक है। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये हमें क्या करते हैं, मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी प्रोवाइड करते हैं। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो हमें मीडियम और लॉन्ग टर्म दोनों तरीके के फंड्स अवेलेबल कराते हैं और क्या करते हैं, ये बहुत ही रीजनेबल रेट पे वो हमें रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो फंड प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ये तो थे इसके मेरिट्स। अब मेरिट्स के साथ साथ कुछ डीमेरिट्स तो होते ही हैं, तो आइए हम वो डीमेरिट्स पढ़ते हैं कि वो डीमेरिट्स क्या है कुछ। टू मैनी फॉर्मेलिटीज हैव टू बी फुलफिल्ड फॉर टेकिंग लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाओगे और आपको तुरंत लोन मिल जाएगा, तो नहीं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को आपको फुलफ़िल करना पड़ता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने के लिए।
दे मे पुट सर्टेन रिस्ट्रिक्शन सच एज रिस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड पेमेंट एसेट्रा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होती हैं वो आप पे कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, जैसे आपको मना कर देंगे कि आपको डिविडेंड पेमेंट नहीं करना है, देन आपका क्या होगा, सरप्लस प्रॉफिट होगा, जिससे आप क्या करोगे उसको री इन्वेस्ट करोगे, आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा। कभी कभी वो आप पे रिस्ट्रिक्शन भी लगा देती हैं। समटाइम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मे अपॉइंट देयर नॉमिनीज एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द कंपनी। और कभी कभी तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो अपने किसी मेंबर को, अपने किसी नॉमिनी को एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर बना देते हैं ताकि वो कंपनी के पावर को रिस्ट्रिक्ट कर सके। क्यों? क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनको पावर, ये अथॉरिटी होती है कि वो कोई भी क्या कर सके, डिसीजन ले सके। तो अगर वो नॉमिनी होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तो उसके पास भी ये पावर आ जाएगी कि वो कोई भी डिसीजन ले सके, तो इससे वो क्या कर सकता है, कंपनी की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो ये थे कुछ डीमेरिट्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।